साइमा इज प्रेग्नेंट, वो बताने मैं मोटी हो रही हूँ इस वजह से, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट गाइस। राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी मोटिवेटेड, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया पढ़ करके। मेरी जो स्टार फैम है ना यार, टू गुड, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हर एक चीज़ में। यस, तो फाइनली सारे जो भी बैड कमेंट्स होते हैं उसको मैं इग्नोर करूँगी अब से, और जो भी ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट ऐसा होता है ना कुछ कुछ चीज़ें दिल में लग जाती हैं कभी कभी, जो कि आपके लिए छोटी चीज़ें होती हैं बट मेरे लिए वो बड़ी चीज़ें होंगी। तो आई थिंक कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बट उन सब चीज़ों को छोड़ के अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी। थोड़ा सा रेडी क्या होंगी, बस थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी और लिपस्टिक यही बोलती हूँ मैं। मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग कि इज़ आई एम प्रेगनेंट और नॉट, तो आज मैं ये भी रिवील कर देती हूँ आप लोगों के सामने। पहले तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार क्या, एकदम अभी तो एक साल भी नहीं हुआ है हमारी शादी को, टाइम है इसको होने में। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा जब भी होगा, जैसा भी होगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स इस पे भी थे कि मैं मोटी हो रही हूँ इस वजह से, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, बट खा खा के मोटी हुई हूँ मैं। मैं नहीं मानता। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यस, जब भी होगा पता चल जाएगा आप लोगों को। टिपिकल सासू की तरह नहीं बात करते, बेटी है काफी है, अगर देने वाला होगा तो आ जाएगा। जैसे ये आ गई थी बिना, साइमा इज प्रेग्नेंट वो बताने। मैंने वेट गेन करा है, बट वो मैं खा खा के किया, आलू चिप्स बनाया, मैंने भी खा खा के किया। चाहिए अभी जल्दी से हो जाएगा खत्म, तुम फिर हो जाओ। तो इन सबको भी लग रहा है कि आई एम प्रेग्नेंट। भाई अभी अगस्त ही तो आया है, मेरी शादी का एनिवर्सरी, एक साल तो जी लेने दो। नहीं अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। अच्छा। और यार ये लोग पहले ही चले गए मामी के यहाँ, वो मामी के यानी भाभी के यहाँ, और हम लोगों ने सोचा था कि ये लोग आएंगे तो साथ में जाएंगे। और मैं पिछली बार आगरा जाने से पहले मैंने सोचा था कि भाभी के मतलब भाभी के बेबी हुआ है, बॉय हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, तो मैंने सोचा था कि जाके मिलकर आऊंगी। जब मैं आई थी दिल्ली वो चली गई थी अपने मायके, बट अब वो आ चुकी हैं, तो अब मैं जाऊंगी मिलने उनसे और देखूंगी छोटे बेबी को। वैसे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, हमारे घर में इतने दिनों बाद खुशी आई और फिर से आने वाली है, दो दो बार, दो दो आने वाली है। मामी कह रही यार हमारा दिन नहीं कटता, मैंने कहा कटेगा नहीं, कटेगा कि दिन में टाइम ही नहीं मिलेगा। की दवाओं की जरूरत है सही में। हाँ, और बस माओ को भी दवाओं में जल्दी से दवाओं में सबको याद करो, हमारे रिश्तेदार को भी जल्दी नानी नानी बनते रहे अब। मामी तो शर्म आ जाती है मुझे, देती हूँ हाथ में पकड़ो, हगी करो नानी को, हगी करो। नहीं मायशा सो रही थी पूरे टाइम जब से आई थी, थक गई थी बहुत ज्यादा, और अब फाइनली सब लोग जा रहे हैं। बाय बाय बोल रहे, देखो हमारी नेक्स्ट मुलाकात कब होती है, ऐसे होता है शादी के बाद। हगी नहीं करो, अच्छा इन वाली नानी को हगी करो, हगी करो, हगी नहीं कर ली मुझसे बात। आज मैंने जिम्मा लिया है ये सोफे को एकदम नया लुक देने के लिए, क्योंकि हमारा जो सोफा है हमारे पास कैट्स है, तो वो ऐसा कर देती है हमारे सोफे को, अंदर तक उसके नाखून जा चुके हैं, ये देख लो। और अब मैं कवर भी बनाने नहीं दूंगी, आप लोगों को पता है दोस्तों कल इन लोगों ने मुझे कम खाना दिया था और बेला को ज्यादा खाना दे दिया था, अब मैं इनका ये पूरा सोफा फाड़ के रख दूंगी। ये है कपड़ा, और इस बार मैंने थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा लिया है इसको बनाने के लिए, जिससे कि और ज्यादा स्टिफ रहे, और देखते हैं कि कैसा बनता है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं होऊंगी नहीं, देखते हैं कैसा बनता है। गाइस ये देखिए यहाँ ऐसे जैसे अभी बेला बैठी हुई है ना, बिल्कुल सेम ऐसे हमारी
लूसी बैठती है जो कि उस साइड पे बैठी है बिल्कुल सेम डिजाइन में। बेला भी यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ लूसी ऐसे बैठी है, एक साइड पे ऐसे बेला बैठी है, ये बीच में मैडम बैठी है। सो लूसी की बेटी बेला हैशटैग नो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नीडेड। कल बेला ने हमारी ब्लश लगाया था, ये देखो दोनों साइड पे लगा हुआ दिखा भी रही है। ओहो ओहो ओ गई शर्मा गई। लूसी के भी ब्लश दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक सा साइड में। लूसी अभी जो हमारा कवर है वो इतना रेडी हो गया, मतलब सामने वाला पार्ट पूरा ही ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी केवल हमें बैक वाला पार्ट बनाना है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कोई अलग बना करके चढ़ाया, ऐसा लग रहा है ये सोफ़ा ही है और बिल्कुल नया भी हो जाएगा। तो इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं शूट कर रही हूँ, आप लोगों को इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक जब भी ये लाइव हो जाएगा, क्योंकि स्टिचिंग वीडियोज़ की एडिटिंग होने में थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लगता है। ये देखें इसका जो बैक वाला साइड है अभी ये हमारा रेडी नहीं है, ये भी बैक साइड है। तो बैक साइड पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा अलग कोई अलग कपड़ा लगा दूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला फैब्रिक है तो बैक साइड पे वैसे नज़र भी नहीं आएगा। तो आपके पास भी अगर कपड़ा कम भी पड़ गया है तो आप बैक साइड पे कोई पुरानी चादर वगैरह ऐसा कुछ लगा सकते हैं, अदरवाइज आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है। नीचे के भी ये साइड्स भी फोल्ड करने हैं, बाकी बैक साइड पे अभी कपड़ा लगाना है। तो यस कंप्लीटेड लुक दिखाती हूँ अभी आपको। कुछ इसने बनाया और अकेले खा रहा है। साहिल तुझे दिया इसने? नहीं, हम लोग बाहर गए थे। नहीं हम दोनों बाहर गए थे और इसने पता नहीं क्या ही एकदम नायाब चीज बना के खा ली है। अब हम लोग लड़ रहे हैं इससे। दे भाई दे हमें खिला। अरे दे 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 नहीं दे रहा। गाइस हमारा भाई बहुत बेकार है। ये देखो तो इन लोगों ने ये कवर तो पूरा कर लिया है, लेकिन इन्हें मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता। अब मैं इसके धागे निकालूंगी और इनका रातों रात पता भी नहीं चलेगा। अब इसी बात पे लाइक कर दो। पहले से मतलब शादी के टाइम पे वो बहुत ज्यादा गोल्डन थे और आज मेरी ड्रेस भी बेडशीट से मैची मैची हो रही है। तो फाइनली थोड़ा सा वक्त निकाल करके आज हम लोग जा रहे हैं जिहान से मिलने और मामी नीचे आ चुकी हैं तो हम लोग मामी के साथ जाएंगे, मामी मम्मी और मैं। और हम लोग के घर से ना बहुत ज़्यादा पास है, मतलब कह लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं छोटे मामू से मिलने। अमायरा के लिए मामी स्टेशनरी का सामान ले रही हैं और पता ही नहीं चला कि कब वो बड़ी हो गई, स्कूल जाने लग हुई वो। पता ही नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। जोया जारा भी कितनी बड़ी हो गई। वो तो बड़े क्लास में पहुंच रही है। मायरा अभी तो मतलब मिलना नहीं हो पाता, पता भी नहीं चलता। दादी पोते की वो देख लो। बहुत गर्मी है सही में। इसके इसके बाल भी उतरवा दिए। भाभी हमारी मायके चली गई थी बट फाइनली आ गई वापस। भूल गई दादी कुछ भी नहीं लाई तुम्हारे लिए। साहिल भी आ गई। अमायरा इधर आओ इधर आओ। अच्छा हम लोग आए हैं अभी सिकंदर भाई के यहाँ और अमायरा पूछ रही है दादी मेरे लिए क्या लायो। जैसे कि हम लोग छोटे थे ना जब बचपन में हम लोग भी पूछते थे पापा से, मतलब पापा से हमेशा बोलती थी कि पापा कुछ लेकर आना मेरे लिए, कुछ लेकर आना। और पापा लेके भी आते थे जब आते थे पापा वापस तो हम लोग पूछते थे क्या लायो पापा आप हमारे लिए। वैसे कितनी हैप्पी हो दादी से मिलके? बताओ हाथ से बताओ कितनी हो? बहुत। बच्चों में हम अपनी पूरी जो लाइफ है ना वो जीते हैं बाद में। बताओ वी आर बैक एट होम और बहुत बहुत दिन बीत जाते हैं कि हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। शादी की बात तो और ज्यादा, और अब मेरा तो ऐसा है ना कि मुझे नदी पार करके नदियां पार रहना पड़ता है, मेरा और ज्यादा इम्पॉसिबल रहता है इस तरीके से फ्रीक्वेंटली मिलना। बट अल्लाह का शुक्र है कि आज सबसे मिल ली और अलग ही खुशी होती है सबसे मिलने की। और आज मैंने अपना बेड वगैरह भी थोड़ा सा
चेंज वेंज किया है। एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को देख करके मजा आया होगा, थोड़ी सी तो चेहरे पे खुशी आई होगी। और अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत सारे लाइक की ज़रूरत है यार मुझे तो, कम से कम 200 लाइक्स तो कर ही देना इस व्लॉग पर। तो यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो मच थैंकफुल टू माई स्टार फैम, यू आर दी बेस्ट। और मुझे दोबारा से मोटिवेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स थे, मैं सबके स्क्रीन शॉट्स लगा दूँगी, हो सकता है मैं शुरुआत में लगा दूँ। तो यस, मिलती हूँ मैं, बाय बाय।